हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सम कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन। ये एथिक्स की वीडियो है। एथिक्स से मैं 10 to 11 वीडियोस बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो हमारा इंजीनियरिंग प्रोफेशन है उसके अंदर कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उसमें जो जो कॉमन है कुछ 4-5 हैं, उनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं 3 डिस्कस करूंगी एंड 3 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट वन इज द प्लान स्टैम्पिंग। प्लान स्टैम्पिंग क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज अप्रूविंग द प्लान और ड्रॉइंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट विदाउट केयरफुली गोइंग थ्रू इट। इट इज डन टू डू द थिंग टू सेव द टाइम एंड अर्न मोर मनी। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि आपके पास में कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी ड्राइंग, कुछ भी है, आपके पास अप्रूवल के आया है, क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करें तो वहां पे आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे अप्रूवल के लिए, जिसपे आपको साइन करना पड़ेगा। जो चीजें हम बिना उसको पढ़े हुए या बिना ध्यान दिए, बस ठीक है, हमें हमारे पीए ने बोल दिया कि इस तरीके से ये है, इसमें ये दे रखा, आप साइन कर दीजिए, साइन करके चलते बनते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि उस चीज को हम ध्यान से एक बार देखें क्या है क्या नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है जो जो हम नॉर्मली कर देते हैं बिना पढ़े हुए, बिना उसको चेक किए उस पे साइन कर दिया हम अपना टाइम सेव करने के लिए, तो ये गलत गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं प्लान स्टैम्पिंग। ये मैं 4-5 जो टर्म्स अभी एथिक्स में कुछ टर्म्स डालूंगी मैं, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस में आ जाती हैं या फिर ऊपर हेडिंग आ जाती है, आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं। ये मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा मैं इसको वो नहीं करती। नेक्स्ट वन इज द डबल डिपिंग। डबल डिपिंग क्या है? डबल डिपिंग का मतलब क्या है? इफ एनी इंडिविजुअल इज वर्किंग बोथ इन द पब्लिक कैपेसिटी एंड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, देन इट विल लेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इंडिविजुअल कैन गिव बेनिफिट टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही एंड शी इज वर्किंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी एक इंडिविजुअल है, सिंपल से लैंग्वेज में, वो पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहा है और किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है, तो उसमें उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपने कुछ बेनिफिट के लिए, वो गवर्नमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट में, प्राइवेट जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो काम कर रहा है, वहां पे वो इन्फॉर्मेशन को दे सकता है। तो दिस इज द डबल डिपिंग। मतलब इसमें डिफरेंस आप ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि वो दो में काम कर रहा है, दिस इज डबल डिपिंग। नो, वो उसकी उसके पास में ये ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वहां की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इसमें मेन चांसेस रहते हैं ना, क्योंकि आप एक ही टाइप का काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट में भी ज्वाइन कर रखा है और प्राइवेट में भी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को आप लीक कर सकते हो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, सिमिलर टाइप का जो भी वर्क है। और उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट है वो है मून लाइटिंग। ये क्या होता है? इफ एन इंडिविजुअल वर्क फॉर मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जरूरी नहीं है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं लीक कर रहा है, आप दो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जरूरी भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों प्राइवेट भी हो सकती है या फिर दोनों गवर्नमेंट तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक ही कर रहे हो। जैसे कि कोई आदमी, मतलब अभी जैसे मान लो एथिक्स का ये चल रहा था टॉपिक, तो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई अच्छी पोस्ट पे है और उसको वो एज ए किसी भी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहा है कि वो नॉर्मल एथिक्स पढ़ाने के लिए, तो हमें भी पता है कि ये सब्जेक्ट है जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट है वो बहुत कम वेटेज होती है इनकी। लाइक कोई लेक्चर आ रहा है किसी भी कॉलेज के अंदर, तो वो वहां पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ कम टाइम के लिए आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी है 15-16 घंटे में खत्म हो ही जाता होगा नॉर्मली, जो भी हमारा जीएस का पोर्शन है, या मैक्सिमम 20-25 घंटे लगा लो तो इतने में वो खत्म हो ही जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि कोई साइड में काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं है ना कि वहां की इन्फॉर्मेशन को यहाँ लीक कर रहा है या यहाँ की इन्फॉर्मेशन को वहां लीक कर रहा है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बस वो ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए वो दो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दिस इज मून लाइटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 3 कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। So if you like this video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.